अस्सलामु अलैकुम। मैं आज बना रही हूँ कैरी और हरी मिर्च का अचार। तो फिर चलें रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। हाफ टी स्पून राई दाना लिया है, हाफ टी स्पून कुटी हुई सौंफ ली है, हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, ये सफ़ेद ज़ीरा है जिसे मैंने कूट लिया था, हाफ टी स्पून नमक का लिया है, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून कलौंजी की ली है, दो चुटकी हल्दी पाउडर लिया है। बस ये चंद मसालों से ही बहुत ही बेहतरीन अचार तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने मोटी हरी मिर्चें ले ली हैं जिन्हें मैंने बीच से इस तरह से कट कर लिया है। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक कैरी का अचार बना रही हूँ। यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल का। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 मोटी हरी मिर्चें जिन्हें मैंने बीच से कट कर लिया था। इन्हें मैं सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकेंड्स तक इसी तेल में फ्राई कर लूँगी। बहुत ही झटपट सा इंस्टेंट अचार बन के फटाफट तैयार हो जाता है इस रेसिपी से। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक कैरी ली है मैंने। इसमें मैंने आधी कैरी का छिलका उतार लिया है और आधी कैरी का छिलका नहीं उतारा था। इन्हें मैंने इस तरह से कट कर लिया पीसेस में और वो मैंने इसमें शामिल कर दी। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी सारे मसाले। बहुत ही क्विक और ज़बरदस्त रेसिपी है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। आप लोग इसे दाल चावल के साथ खाएं या फिर इसे रोटी के साथ खाएं, दोनों ही तरीके से ये बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल वॉइस ऑफ फूड एंड फन पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ मैंने सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसे एक हाथ चला लूँगी और अब मैं इसे ढक दूंगी और ढक कर पकाऊंगी लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून मेथी दाने का। मेथी दाना शामिल करके एक हाथ चला लिया है मैंने और इसे मैंने दोबारा ढक दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं और यहाँ कैरी और हरी मिर्च का ज़बरदस्त सा अचार माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन अचार बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसे एक हफ्ते के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर ये झटपट सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।